जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास वेदांता के 227 शेयर हैं, 405 रुपए के भाव पे, काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया है। और अब हम देख रहे हैं कि इनके भाव से लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक का। चलिए इस पे विनीत जी बताएं क्या करना चाहिए, निकल जाना बेहतर होगा? नहीं, आप एक होल्ड करके रखिए, क्योंकि कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एडवाइस किया है और ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के डिटेल्स जैसे बाहर आएंगे आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा बेटर हो रहा है। और मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी बदगढ़ हो रही है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। आपको 250-350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। ठीक है, तो यह है सलाह वेदांता पर। और स्टॉक यहाँ पर हाईलाइट करेंगे MMTC। ये स्टॉक देखिए, आज भी स्टॉक करीब 10% ऊपर है। और कल डिम्पी ने ये स्टॉक हाईलाइट भी किया था, जब तभी हमने देखा था कि स्टॉक में 10% की तेज़ी देखने को मिली थी, और तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% ये स्टॉक चल चुका है। और देखिए, कल हमने स्टॉक पर चर्चा की थी, आपके सामने ये शेयर लेकर आए थे, तो स्वदेश ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे पहले कमाई के मौके स्वदेश ही आपको बताता है। और इस पर अगर आपने कल हमारा व्यू सुना होगा हमारे एक्सपर्ट्स का, तो तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो शानदार सेटअप आज के लिए भी, इस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, MMTC शानदार तेजी देखने को मिल रही है, पिछले 2 दिनों से स्टॉक चल रहा है, अभी क्या व्यू बन रहा है, कंपनी कैसी लग रही है, और अगर करंट लेवल्स पर भी अगर किसी को एंट्री लेनी हो MMTC पर, तो क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, हम ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करते। मुझे लगता है आपके जो टेक्निकल गेस्ट है ना, वो इसका ज्यादा बेहतरीन इसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिर एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं कपिल से। कपिल, आपकी क्या सलाह होगी MMTC पर, मौजूदा लेवल पर क्या फ्रेश एंट्री देख रहे हैं आप? काफी का अच्छी मोमेंटम आ गई है, अभी एक 76 के लेवल के स्तर पे आ गया है, लेकिन जो 76 का स्तर है वो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि 2013 से, मीन्स 2013, 2014, 2017 एंड और 2021 में भी जो इसके सभी हाई बने थे वो कहाँ ना कहाँ पे 75 के लेवल के, 75 76 के लेवल के यहाँ पे बने थे। अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन उस ब्रेकआउट के एरिया के यहाँ पे फिर एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव करके के बाद में हम बाय करते ना, तो ऐसा चांसेस हो जाता है कि कान कहां पे कभी हमें बुल ट्रैप के शिकार हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल यूफोरिया है, स्टॉक का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इसको मोमेंटम को चेस करते ना हुए थोड़ा सा रिट्रेस करने दे और फिर से उसको बाय करें। 77 के लेवल पे चल रहा है, तो आई बिलीव दैट कि जो पहले के उसके ब्रेकआउट लेवल से 65 के अराउंड पे, तो थोड़ा सा वहां पे कूल ऑफ हो जाए तो उसके बाद में वहां पे एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये बेहतर नजरिया आपको MMTC पर मिलता हुआ। चलिए